गाइज, आज मैं अपनी आईडी में कैरम पास बाय करने का सोच रहा था और भाई अनबॉक्सिंग करने का दिल भी कर रहा था, लेकिन यार फिर नजर पड़ती है कि यहाँ पर कोई लड़की हमें चैलेंज भेज रही है। आर यू कॉमेडी मी? मतलब यार, कोई लड़की होकर हमें चैलेंज भेज रही है भाई। हमारे अंदर का प्रो प्लेयर जाग जाता है और यहाँ पर हम इसका चैलेंज कर लेते हैं एक्सेप्ट, और यहाँ पर पहला मैच कनेक्ट भी हो चुका है। और गाइज, यहाँ पर इसी के साथ पहला मैच स्टार्ट हो चुका है और ट्रन जो है इस लड़की को मिली है, और इसने ले रखा है दिया स्ट्राइकर विद फ्लेयर पावर, जो कि हमारा ही कॉम्बिनेशन है भाई। और स्ट्राइकर फाइनली हमारे पास आ चुका है। सबसे पहले गाइज, यहाँ पर से मैं खेलता हूँ टॉप लेफ्ट के लिए। ये वाली पाक को मैं हटा दूंगा तो जो दूसरी वाली पाक रहेगी ना, उसको मैं एज अ बॉम्ब यूज़ कर पाऊंगा। तो पहले इसको जो है वो थोड़ा ध्यान से खेलते हैं, और सेकेंड वाली पाक को जो है मैं टॉप लेफ्ट में खेल कर अपने बाकी के पक्स को निकाल लूंगा यहाँ पर से। और बहुत ही अच्छी शॉट थी। टॉप राइट के लिए एक और पक निकल चुकी है, इसको खेल कर मैं अपने बाकी के अगेंस्ट से पक्स ओपन कर लूँगा, और बहुत ही ज़बरदस्त शॉट गाइज। और उसके बाद यहाँ पर से मैं टॉप लेफ्ट के लिए ये शॉट खेलने वाला हूँ, और उसके बाद गाइज यहाँ पर से अगेन से मैं टॉप लेफ्ट के लिए खेलूँगा क्योंकि ये वाली पक हमारी ओपन हो चुकी है। और गाइज, यहाँ पर हमारे पास रेड भी निकल चुकी है और नीचे वाले भी दोनों पक्स अनलॉक हो चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऊपर वाले जो दोनों पक्स हैं ना भाई, वो यहाँ पर क्लोज हो चुके हैं। लेकिन वहाँ पर मैं ज़रूर अपनी पूरी कोशिश करूँगा इनडायरेक्ट शॉट खेलने की, क्योंकि भाई हमारे अंदर का प्रो प्लेयर जाग जाता है यहाँ पर भाई। सब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ही। तो यहाँ पर से रेड को थोड़ा ध्यान से खेलना पड़ेगा, क्योंकि वो कोलैब भी हो सकती थी, या अगर थोड़ा ज़्यादा लेफ्ट में हो जाती तो वो बाहर भी जा सकती थी, लेकिन ज़बरदस्त हो गया। और उसके बाद ये वाले पक को पहले क्लियर करते हैं, खेलते हैं टॉप राइट में, उसके बाद ऊपर वाले जो दो पक्स हैं ना भाई, उनका कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर से गाइज मैं जा रहा हूँ कनेक्शन शॉट टॉप राइट के लिए, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट शॉट रहेगी भाई, काफ़ी मुश्किल है इस शॉट के। और ये ऊपर बोल रहे नेक्स्ट मैच ब्रेक टू फिनिश। तो यहाँ पर से गाइज मैं टॉप राइट के लिए ये शॉट ट्राई कर रहा हूँ, आई होप यार ये शॉट लग जाए। बहुत ही ज़बरदस्त शॉट थी भाई शॉट गाइज। अगर आप लोगों को पसंद आई तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और हाँ, ये कुछ बोल रही थी, ये बोल रही थी नेक्स्ट मैच ब्रेक टू फिनिश, मतलब ये तो समझ आ गया कि इसने नेक्स्ट मैच खेलना है, लेकिन ये समझ नहीं आया कि ये कहना क्या चाहती है। क्या ये कहना चाहती है कि भाई नेक्स्ट मैच में ये हमें ब्रेक टू फिनिश मारेगी, या ये हमें बोल रही है कि भाई तुम ब्रेक टू फिनिश मारो नेक्स्ट मैच में, मतलब समझ नहीं आया यार। और स्ट्राइकर हमें मिला था लेकिन हमने ब्रेक मिस कर दिया, और गाइज यहाँ पर स्ट्राइकर जो है फाइनली इसके पास आ गया था, लेकिन इसने भी शॉट मिस कर दी। तो दूसरी बार स्ट्राइकर फाइनली हमारे पास आ चुका है और हमारे काफ़ी सारे पक्स भी ओपन हैं। पहले इसको गाइस टॉप राइट में खेलते हैं, तो टॉप लेफ्ट में भी एक पक चली जाती है हमारे यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर से अगेन से टॉप लेफ्ट में पहले इसको क्लियर करते हैं, और उसके बाद गाइस यहाँ पर मैं टॉप राइट में खेल कर अपने बाकी के पक्स को भी ओपन कर लूँगा। यहाँ पर से रेड को ओपन करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन रेड ओपन हो चुकी है, लेकिन अभी भी भाई हमने रिस्क नहीं लेना। और उसके बाद यहाँ पर मैं टॉप लेफ्ट में खेलूँगा, तो रेड ओपन हो चुकी है भाई अभी। चले तो इसको गाइज अभी रेड को टॉप राइट में खेलकर लेफ्ट वाली जो पक है वो भी ओपन हो जाएगी। पक तो ओपन हो गई थी लेकिन वो दोबारा क्लोज हो चुकी है, मेरे ख्याल से उसका कुछ मूड नहीं बना। और उसके बाद यहाँ पर बॉटम लेफ्ट में खेला ये वाली पक को, और अगेन से हम लोग क्लोज हो चुके हैं लास्ट वाले दो तीन पक्स में। अभी यहाँ पर बहुत ही ध्यान से शॉट खेलनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये थोड़ी सी भी गलत हो गई, या तो ऊपर चली जाएगी या तो नीचे निकल जाएगी। बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल परफेक्ट शॉट लगनी चाहिए तभी ये पोर्ट होती, और बिल्कुल परफेक्ट शॉट थी भाई। और अगेन से सेम शॉट खेलनी पड़ेगी, लेकिन ये थोड़ी सी इजी है, पिछली वाली भाई बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट थी। और उसके बाद गाइज यहाँ पर लास्ट वाली जो पक रहेगी उसको टॉप राइट में खेलना पड़ेगा, थोड़ा सा लॉन्ग कट होगा, देखते हैं भाई कहीं ये मिस ना हो जाए, फिर बेइज्जती हो जाएगी अपनी। लेकिन भाई आपका भाई, मतलब समझ रहे हो ना। तो गाइज यहाँ पर हम लोग दूसरा मैच भी विन कर चुके हैं, दोनों बार बहुत ही कमाल का फिनिश किया है हम लोगों ने। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई इस तरीके की मैं और भी वीडियोस अपलोड करूँ, तो कमेंट्स करके लाजमी से बताना है। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।